हेलो दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क केस की सुनवाई आज लखनऊ कोर्ट नंबर 1 में डबल बेंच में स्टार्ट हुई है और आपके अधिवक्ता अनिल तिवारी जी का सबमिशन चूंकि अभी कंप्लीट नहीं था तो आज उन्होंने अपना सबमिशन पूरा किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपकी फेवर में थे स्ट्रांगली उन्होंने कोर्ट में रखा, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी रखे जो पहले से ही कोर्ट में रखे जा चुके थे। फिलहाल लंबी डेट मिली हुई 6 नवंबर की, इस दौरान आप सभी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, इस भर्ती में शामिल हर अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन इसमें कोई भी क्या कर सकता है, यह कोर्ट की एक विधिक प्रक्रिया है। हम और आप जितने एक्साइटमेंट में हैं या हम और आप जितने ज़्यादा परेशान हैं शायद उतना हर कोई परेशान नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें हमारी परेशानी दिखती तो निश्चित रूप से जल्दी इस मामले को क्लियर करते। फिलहाल ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए आपको कि अभी समय लगेगा, आप देख रहे हैं लंबी डेट्स कोर्ट में लग रही हैं, 14 दिन 15 दिन की लंबी लंबी डेट मिल रही हैं, और एडिशनल में लगने का क्या मतलब है ये खुद में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। चलिए फिलहाल हम आपके सामने और भी कुछ बातों को रख देते हैं। अनिल तिवारी जी ने 40-45 की अगेंस्ट में ये बोला कि पिछली बार जब 40-45 लगाया गया था तो परीक्षा लिखित थी और अब की बार 60-65 लगाया गया तो परीक्षा बहुविकल्पी थी। यहाँ पर अभ्यर्थियों के पास 4 ऑप्शन थे, अगर अभ्यर्थी को उत्तर नहीं आता है तो भी अगर वो अंदाज़ा मारता है तो उसके एक उत्तर के सही होने की संभावना 25% बढ़ जाती है। इसके अलावा उन्होंने 68,500 और 69,000 परीक्षा में के अंतर को समझाया। उन्होंने कहा कि वह एक अलग परीक्षा थी, कोर्ट के द्वारा कंजिक्यूटिव वर्ड को अलग गलत डिफाइन किया गया सिंगल बेंच में। 40-45 का जो पासिंग मार्क था वो सिर्फ 68,500 परीक्षा के लिए था और 69,000 एक चूँकि अलग परीक्षा है इसलिए इसका एक अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होगा। और क्या होगा ये स्टेट डिसाइड करेगी, कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि क्या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। और उन्होंने ये बताया कि यह जरूरी है और समझना भी है कि 60-65 का प्रे सॉरी 40-45 का प्रे नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सिंगल बेंच ने 40-45 बहाल कर दिया। ऐसे कई मजबूत पॉइंट्स आपके फेवर में रखे गए और उन्होंने ये भी बात कहा कि इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम कराकर नौकरी करनी है, जबकि इनको भारांक सरकार पहले से ही 25% का दे चुकी है, अब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क भी कम कराना चाहते हैं ताकि भारांक के सहारे नौकरी करें। फिलहाल आपके लिए थोड़ा ध्यान रखने की बात जरूरत है, बहुत से ऐसे पॉइंट्स अनिल तिवारी जी ने रखे हैं जो रिपीट किए गए हैं, तो ऐसे बातों को मैंने भी आपको नहीं इन्फॉर्म किया क्योंकि ये बातें ऑलरेडी बाकी एडवोकेट्स के द्वारा भी रखी गई हैं। यहाँ तक कि जज साहब ने भी एक क्रॉस क्वेश्चन किया कि आप उन पॉइंट्स को ही रखें जो नहीं किए कोर्ट में रखे गए हैं, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन हाँ स्ट्रांगली आज उन्होंने और बहुत से पॉइंट्स को रखा है। मिला जुला कर एक लंबी डेट मिली है, थोड़ा ध्यान रखिए और अपना कार्य करते रहिए, यूपी टेट की तैयारी करिए, सी टेट की तैयारी करिए, अपने आप को बिजी रखिए, यही आपके भविष्य के लिए बेहतर है। थैंक यू।